फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो है हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम ही चल रहा था, हम आगे जो है उसे ही कवर करेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं पिछले साल जो है बोर्ड में आ चुके हैं और ये जो है परीक्षा बोर्ड में नहीं थे, लेकिन इस साल की जो परीक्षा बोर्ड है उसमें ये बताए गए हैं कि ये जो आए थे। इसलिए जो है आपको ये भी पढ़ना चाहिए, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर में जो है कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से आए थे। देखने में ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगते हैं, पर जब भी आप कोई ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ते हो ना, और अगर ये पेपर में आ जाती है तो आप इसके आंसर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो छोटी भी चीज़ के आंसर आप नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको एक एक चीज़ पढ़ना ज़रूरी है। तो ज़रा इसको देखते कि ये इन क्वेश्चनों के आंसर क्या हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा था बोर्ड में कि मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान देने योग्य प्रमुख बातें कौन सी हैं। या आपसे मुद्रित माध्यम पूछ ले या प्रिंट माध्यम पूछ ले, दोनों का मतलब एक ही होता है। भी कोई मुद्रित माध्यम होता है और उसको जो लिखते हैं तो उसमें जो है ध्यान देने बात कौन कौन सी होती है, ज़रा उसको देखते हैं। पहला क्या बोल रहा है कि लेखन में भाषा, वर्तनी, व्याकरण और शैली का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप कोई मुद्रित माध्यम लिखते हो तो उसमें क्या होता है, हर चीज़ में यही चीज़ होती है कि लेखन में जो भाषा, उसकी वर्तनी, व्याकरण और शैली, ये सब चीज़ें जो है ज़रूरी होना चाहिए। कोई भी लेखन आप लिख रहे हो उसमें हर एक चीज़ ये कॉमन ही आएगी, क्योंकि ये लिखना जो है ज़रूरी होता है। सेकंड क्या बोल रहा है कि समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना हर हाल में ज़रूरी है। उन्होंने क्या करा है, कोई भी समय सीमा बता दी और उस जगह के अनुशासन का पालन करना, जिस जगह पर आप कर रहे हो, जिस जगह पर लिख रहे हो, उस जगह का जो है पालन करना हर हाल में ज़रूरी है। तो उस जगह आप जो भी लिख रहे हो तो वहाँ के जो है पालन यानी नियम का पालन करना भी ज़रूरी है। थर्ड बोल रहा है कि लेखन में सहज प्रभाव के लिए तारतम्यता बनाए रखना ज़रूरी है। जब भी कोई लेखन है उसमें जो है सहज प्रभाव के लिए, यानी उसका जो प्रभाव है वो एकदम सहज एक ही प्रभाव से पढ़ रहे हो तो आप उसी प्रभाव से पढ़ना चाहिए। तो जिससे क्या होता है, वो तारतम्यता बनी रहती है, जिससे क्या आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो ना तो आपकी रिदम जो है बनी रहती है। इसलिए लेखन में जो है सहज प्रभाव होना ज़रूरी होता है। तो आपको ये तीन बातें याद रखनी है, ये पेपर में आ चुका है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ऐसे अथवा में करके क्या आया था, अथवा में करके ये पूछा गया था कि समाचार लेखन में मुख्यतः किन छह सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती। आंसर बहुत ही छोटा है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप नहीं कर पाएंगे। जब भी कोई समाचार लेखन में जो है कोई सवाल पूछता है तो क्या पूछता है भाई, आपसे किसी घटना का कुछ हो गया तो क्या पूछेंगे, कब, क्या, कौन था वहाँ, कैसे हुआ, इस तरीके से जो है आपसे सवाल किए जाते हैं। तो वही सवालों को जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला क्या, फिर कौन था, कहाँ पर, कब, क्यों और कैसे। तो ये छह आपको याद रखना है कि किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो यही छह जो है सब में पूछे जाते हैं, कोई भी घटना होगी तो आपसे कोई भी जो है इन कॉमन सवालों को ही पूछेगा। अगर आपने पढ़ा था तो आप जो है इसका आंसर दे देंगे, अगर नहीं पढ़ा तो कभी कभी हमें छोटी छोटी चीज़ें भी जो है मुश्किल लगने लगती हैं। ऐसे टॉपिक से क्या हुआ था कि ऑब्जेक्टिव भी आया था, टीवी पर प्रसारित खबरों में से सबसे महत्वपूर्ण है, तो विजुअल, नेट, बाइट, उपरोक्त सभी। आप पढ़ के नहीं गए होगे तो आप ज़रूर इसमें कन्फ्यूज हुए होगे कि क्या करें, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आपको इसका आंसर उपरोक्त सभी मालूम होगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। परीक्षा बोर्ड में ये तीनों ही चीज़ नहीं थी और ये जो है तीन नंबर का ही आया था इस टॉपिक से, लेकिन परीक्षा बोर्ड में नहीं थी इस वजह से बोलते हैं पूरा पढ़ना चाहिए। पिछले साल ही सिलेबस चेंज हुआ है तो ऑब्जेक्टिव वगैरह कुछ भी नहीं थे उसमें ऐसे, तो इसलिए जो है मैं आपकी तैयारी पूरी तरीके से ही करवा रही हूँ, कहीं से भी आ जाए आप जो कर लें, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप खुद से भी कर लेंगे। तो हमारे पेपर के हो गए कि ये तीनों चीज़ें जो है पेपर में आई थी। अब हम और थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं, हम जो है थोड़े और क्वेश्चन देख लेते हैं छोटे छोटे, ताकि जो है आप पढ़ लो। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में कौन कौन से समाचार पत्र इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो भारत में जो है कौन कौन से समाचार हमें उपलब्ध हो जाएंगे इंटरनेट पर। इंटरनेट पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ट्रिब्यून, स्टेटमेंट, पायनियर, NDTV, IBN, जी न्यूज़, आज तक और आउटलुक समाचार पत्र इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो ये समाचार पत्र आपको याद रखने, कुछ आपने सुने होंगे कुछ आपने नहीं सुने होंगे, तो आपको ये याद रखने हैं। सकता है आपसे एक शब्द में जो है पूछ ले, तो आपको एक शब्द में पूछेंगे तो आपको उस हिसाब से बताना है। ऐसा अगला क्या बोल रहा है कि भारत की कौन सी वेबसाइट भुगतान देकर देखी जा सकती है। तो इंडिया टुडे जो है वो वेबसाइट है, तो जो है भुगतान देकर जो है देखी जा सकती है, तो ये भी आपको याद रखना है।
ऐसे अगला क्या बोल रहा है कि भारत की कौन सी साइटें नियमित रूप से अपडेट होती हैं, भारत की जो साइट्स होती हैं सब जो है अपडेट होती है, तो कौन सी अपडेट होती है नियमित, वो कौन कौन सी, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, NDTV, आज तक और जी न्यूज़, जो है रोज़ अपडेट होती हैं। ऐसा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत की पहली साइट कौन सी है जो इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है, भारत की जो पहली साइट कौन सी है ये आपको बताना है, तो इसका आंसर रेडिफ है, आपको याद रखना है। अगला क्या बोल रहा है कि वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता किसने शुरू की थी, तो जो वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता है तो किसने शुरू की आपको याद करना है, tehlka.com ने, आपको याद रखना है। ऐसे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हिंदी वेव जगत में कौन कौन सी साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं, ये भी आपको याद रखना है, अनुभूति है, अभिव्यक्ति है, हिंदी नेस्ट है और सराई है, जो है अभी भी चल रही हैं। ऐसे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंटरनेट पत्रकारिता के लोकप्रिय होने के कारण, अब जो इंटरनेट ये लोकप्रिय क्यों है, पहले मैं इसका आंसर बता चुकी हूँ पर मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि इंटरनेट पत्रकारिता मुद्रण, रेडियो तथा TV तीनों के गुणों से संपन्न होती है। जो इंटरनेट पत्रकारिता होती है उसमें क्या क्या होता है, मुद्रण भी होता है, रेडियो हमारी जो TV होती है ये तीनों गुणों से क्या होती है, संपन्न होती है, और इसके माध्यम से भी क्या है, हमें न्यूज़ मिलती है, ये सबसे अधिक तेज और ताज़ा पत्रकारिता है। तो जो रेडियो और TV है ये क्या है, सबसे तेज और ताज़ा पत्रकारिता है, दुनिया में कुछ भी घट जाता है तो हमें सबसे पहले रेडियो और TV इन सब में मिल जाती है। इंटरनेट पत्रकारिता 24 घंटे में नहीं बल्कि हर 2 घंटे बाद संशोधित होती है, तो इंटरनेट की जो पत्रकारिता यानी TV पर या कहीं पर भी कुछ भी हो जाता है और उसकी जो अपडेट है वो TV और रेडियो पर हमें कहीं पर भी मिल जाती है, तो उसकी अपडेट जो है हर 2 घंटे में हमें मिलती रहती है, तो इसलिए जो ये लोकप्रिय होने का कारण है, इसलिए आपको ये याद रखना है, हो सकता है आपसे 2 नंबर में पूछ लें। आज की वीडियो में जो है हमने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देखे हैं, आगे हम जो है और क्वेश्चन देख लेंगे जितने भी होंगे हमारे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।